हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा लावा अग्नि 2 5G फ़ोन है, तो लावा अग्नि 2 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को आप कैसे इनेबल कर सकते हैं, या फिर ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को आप कैसे बंद कर सकते हैं लावा अग्नि 2 5G फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि कॉल रिकॉर्डिंग को कैसे इनेबल कर सकते हैं फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर पाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आइकन शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन्स ओपन हो जाएंगे, ओपन होते ही जिसके ज़रिए अपने फ़ोन की जो भी कॉल रिकॉर्डिंग को आप इनेबल करना चाहते हैं, तो आप फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल कर सकते हैं अपने फ़ोन में। जिससे आप कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल कर सकते हैं, बस फ़ोन आइकन्स पे जाना है। इसमें से फ़ोन आइकन सेटिंग से ओपन हो जाएगी, इसका आप यूज़ करके अपने फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शंस को इनेबल कर पाएंगे एंड आप यूज़ कर सकते हैं। 3 डॉट पे जाना है, सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाकर आपके पास कॉलिंग सेटिंग्स हैं ओपन हो जाएगी, जिसका आप यूज़ करके कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल कर सकते हैं। ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन करना है कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आप ऑन या इनेबल करते हैं कॉल रिकॉर्डिंग को, तो आप अपने फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल कर पाएंगे और ऑन भी कर सकते हैं अपने फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपली देख सकते हैं इनेबल हो जाएगी। तो किसी भी नंबर्स की रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं अपने फ़ोन में, और रिकॉर्डिंग भी आप कर पाएंगे अपने लावा फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप देख सकते हैं कि आप कॉन्टैक्ट नंबर की इस तरीके से ऐड करके भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और नंबर्स की रिकॉर्डिंग भी आप कर पाएंगे अपने फ़ोन में, और चाहें तो यहाँ से क्रॉस भी कर सकते हैं, जिससे आप ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन कर सकते हैं, इससे कॉल रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो इस तरीके से कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल कर सकते हैं लावा अग्नि 2 5G फ़ोन में। तो वीडियो अच्छी तो लाइक